हेलो फ्रेंड्स, लेह लद्दाख का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे सड़क मार्गों और बर्फ से ढके पहाड़ों का ख्याल आता है। अपने आकर्षक और अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये भारतीय पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ की सड़कों पर बाइक राइड करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। लद्दाख ट्रेकिंग के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप भी लेह लद्दाख घूमने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लद्दाख टूर की कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। मसलन लद्दाख कैसे पहुँचें, लद्दाख कब जाएं, लद्दाख में कहाँ ठहरें, कितने दिन का टूर प्रोग्राम बनाएं, लद्दाख में क्या क्या देखें और लद्दाख टूर पर कितना खर्चा आएगा ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख में लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। लेह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार मार्केट्स की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लद्दाख अपने खूबसूरत रास्तों, आकर्षक बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आप बाइकिंग और साइकिलिंग के अलावा ट्रेकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और आइस स्कीइंग जैसी कई एडवेंचरस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि लद्दाख कैसे पहुँचें। वायु मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा लेह में है, जो दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ और भारत के कई अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेह हवाई अड्डे से आप अपनी रुचि के स्थानों पर जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। लेह शहर में ठहरने के कई विकल्प हैं। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी लद्दाख से 700 किलोमीटर है, जो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप वहां से लद्दाख पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या JKSRTC की बस से जा सकते हैं। सड़क मार्ग, लद्दाख श्रीनगर से 434 किलोमीटर और मनाली से 494 किलोमीटर दूर स्थित है। लद्दाख पहुंचने के लिए आप कैब या जीप किराए पर ले सकते हैं या JKSRTC की बस से जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप अपने पास मौजूदा समय के आधार पर श्रीनगर, मनाली या चंडीगढ़ से लेह के लिए कार या बाइक यात्रा शुरू कर सकते हैं। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद हो जाते हैं, इसलिए सड़क मार्ग से केवल मई से सितंबर के बीच ही यात्रा की जा सकती है। दिल्ली से भी लेह के लिए हिमाचल प्रदेश परिवहन की सीधी बस सेवा उपलब्ध है। लद्दाख में लोकल टूर के लिए टैक्सी लेना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप शेयरिंग टैक्सी या पर्सनल टैक्सी कर सकते हैं। वैसे बाइक से घूमना भी रोमांचकारी होता है। लद्दाख में कहाँ ठहरें? लद्दाख के लेह शहर में रुकने के लिए आपके बजट के अनुसार हर कैटेगरी के होटल्स उपलब्ध हैं। कम से कम आप 1,000-1,200 रुपये में अच्छा कमरा ले सकते हैं। यहाँ आपको गेस्ट हाउसेज और होम स्टे की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ रूम चार्जेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा भी शामिल होती है। भोजन के लिए आपको मार्केट में भी अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां आप 70-80 रुपये से लेकर 100-150 रुपये में आराम से अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। आप यहां स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकते हैं अथवा इंडियन और कॉन्टिनेंटल हर तरह का भोजन कर सकते हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्शनीय स्थल, लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है लेह पैलेस, लेह मार्केट, शांति स्तूप, हेमिस मठ, पेंगोंग झील, नुब्रा वैली, अलची, लामायुरू, मैग्नेटिक हिल, चादर ट्रेक, फुकताल मठ, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, खारदुंगला पास, स्टॉक पैलेस, सोकर झील, सोमोरीरी झील, कारगिल और द्रास। कब जाएं लद्दाख? लेह लद्दाख घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल के अंत से जुलाई माह तक है, जब श्रीनगर लेह राजमार्ग और लेह मनाली राजमार्ग दोनों खुले होते हैं, जिससे इस क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस दौरान आप विशेष रूप से लेह मनाली राजमार्ग पर मनमोहक बर्फ से ढके परिदृश्यों को देखने का भी आनंद ले सकते हैं।
लद्दाख में कई तरह के फेस्टिवल भी आयोजित होते हैं, आप उनकी डेट्स का पता करके फेस्टिवल सीजन में भी लद्दाख घूमने जा सकते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? अब जब आप लेह लद्दाख घूमने जा ही रहे हैं तो कम से कम 5-7 दिन का प्लान अवश्य बनाएं। इससे आप सभी खास खास जगहों को देख सकेंगे, घूम सकेंगे और वहाँ की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हो सकेंगे। हम आपको बता दें कि लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए IRCTC की ओर से भी अलग अलग शहरों से टूर पैकेजेस लॉन्च किए जाते हैं। आप IRCTC के पैकेजेस अथवा किसी अन्य ट्रेवल एजेंसी के टूर पैकेज लेकर भी घूमने जा सकते हैं। ये थोड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन सुरक्षित और आरामदायक भी होते हैं। लद्दाख टूर पर कितना खर्चा आएगा? अब बात कर लेते हैं लद्दाख में रहने, खाने और घूमने के खर्च के बारे में। हालांकि लेह लद्दाख की यात्रा के लिए बजट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है, लेकिन अपनी सुविधा और परिस्थिति के आधार पर आप यहाँ कई विकल्प देख सकते हैं। अगर आप 3 से 5 लोगों के ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा की लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। होटल चार्जेज की बात करें तो किसी बजट होटल में रहने का किराया प्रतिदिन एक रूम का एवरेज 1,000-1,200 रुपये मानकर चलते हैं। ये किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज़्यादा बजट हो सकता है। खासतौर से अगर आप सिंपल टेंट या ढाबों में रुकते हैं तो आपको मात्र 200-300 रुपये प्रति व्यक्ति तक देने होंगे। बात अगर होमस्टे की करें तो इसके लिए आपको 1,000-1,500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें रहने के साथ खाना भी शामिल होगा। यही बात भोजन पर भी लागू होती है कि आप भोजन में क्या खाना चाहते हैं, चाइनीज, रोटी सब्जी या नॉन वेज। इससे भी जरूरी है कि आप कहाँ किस होटल में खाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक सामान्य ढाबे में भोजन करते हैं तो भोजन की लागत लगभग 50-70 रुपये प्रति व्यक्ति होगी, और वहीं भोजन यदि आप लेह के चांगस्पा रोड में एक रेस्तरां में लेते हैं तो आपको 150-200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ हाई एंड रेस्तरां में भोजन करने पर लागत बढ़ जाएगी। कोशिश करें कि पानी की बोतल अपने साथ रखें। अगर घूमने फिरने के लिए यातायात साधनों पर होने वाले खर्चे की बात करें तो लेह लद्दाख की यात्रा के दौरान आप कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल करते हैं इसके आधार पर खर्च अलग अलग आता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना एक चुनौती है क्योंकि ऐसे वाहनों की फ्रीक्वेंसी कम होती है और उनके शेड्यूल के हिसाब से आपको इस यात्रा को पूरा करने में ज़्यादा दिन लग जाएंगे। यदि आप सेल्फ ड्राइविंग के लिए व्हीकल किराए पर ले रहे हैं तो आपको हर दिन लगभग 1,200-1,500 रुपये में अच्छे व्हीकल मिल जाएंगे। आप कैब या बाइक भी किराए पर ले सकते हैं। कैब का किराया करीब 3,000 रुपये पर डे हो सकता है। लद्दाख के लिए इनर लाइन परमिट की लागत को भी 2 भागों में बांटा गया है। एनवायरनमेंट टैक्स के लिए प्रति व्यक्ति 400 रुपये और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फीस के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपये चार्ज लगेगा। टोल, परमिट शुल्क, मठों में एंट्री फीस जैसी चीज़ों का खर्च हर दिन करीब 1,000-1,500 रुपये के बीच आ सकता है। हम आपको बता दें कि लेह लद्दाख यात्रा की लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप में यात्रा करना। ग्रुप में यात्रा करने से खर्चा विभाजित हो जाता है, इससे प्रति व्यक्ति लागत बहुत कम हो जाएगी। तो अब खर्चे की चिंता तो छोड़िए और एक बार अपने ड्रीम डेस्टिनेशन लद्दाख का टूर कर ही आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।